गणपति उत्सव नूं लै के पूरे देश विच तैयारियां जोरां ते हन अते अज असीं तुहानूं पठानकोट दे एक अजिहे थां ते लै के आए हाँ जिथे वड्डी गिणती विच गणपति दी मूर्तियां तैयार कीतियां जांदियां हन। हमको हो गए 15-16 साल इधर, हमारा पूरा ही परिवार 8-9 बंदे हम पूरे परिवार इधर ही काम करते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा करते बनाते 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 हैं, इसी टाइम पे पूरा होता है। बड़ी दूर से आते हैं, जो हिमाचल से है, पंजाब से है, इधर है, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। इसमें कुछ नहीं करते हम, पीओपी का बनाते हैं, इसमें कुछ नहीं डालते, मिक्स नहीं करते। जैसे मिक्स करते तो जैसे पानी में मछलियाँ होती वो मर जाती, इसलिए कुछ नहीं डालते, केमिकल वगैरह कुछ नहीं। जो रंग में भी कुछ मिलावट नहीं डालते, हम गोल्ड रंग लगाते हैं, रंग भी बनाते हैं, मूर्ति भी ठीक करते हैं, रिपेयर सफाई वगैरह करते हैं। पहले हम मूर्ति बनाते हैं, फिर उसका हाथ पैर अलग से बनते हैं सारे कुछ, फिर हमने जोड़ के फिर उसको सफाई करनी पड़ती है। सफाई के बाद जब उसको डिस्टम्बर होते वो लगाना पड़ता, चिटन नहलाना पड़ता है, नहला के फिर उसको रंग चढ़ाना पड़ता है। समय तो भी देखो, मूर्ति तो बना मैंने टाइम नहीं लगे, भी बाकी का काम सफाई देने, हाथ पैर बनाने जोड़ने में उसमें टाइम बड़ी लगती है। सर हमको 15-20 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, इसमें केमिकल कोई भी नहीं होता है, और इसमें कुछ मतलब मछली वगैरह को कुछ नुकसान नहीं होगा, इसमें केमिकल का कोई मिलावट नहीं होता ना पेंट में ना इसमें। हमको कम से कम लगभग 5 महीने हो गए बनाते हुए। सबसे पहले मूर्ति तैयार होती है, फर्मे जमा के उसके बाद मूर्ति तैयार होती है, उसके बाद हम उसको खोलते हैं, खोलने के बाद हाथ बनाते हैं, हाथ खोलते हैं, हाथ जॉइंटिंग लगाते हैं, फिर जॉइंटिंग लगाने के बाद हम उसको रिपेयर करते हैं अच्छे से, फिर उसको प्राइमर देते हैं बिना केमिकल का, फिर उसमें हम पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करने के बाद वो तैयार हो जाती है कम्प्लीट गोल्डन वगैरह चढ़ा के। जैसे देखो हाँ हिमाचल है, कांगड़ा है, पठानकोट से, दीनानगर, कठुआ, लखनपुर, ये सारे आसपास एरिया सबसे आते हैं। सब तरह से जी डिमांड पे जैसे पहले बुकिंग करवाई जाती है, जिसको अच्छा पेंट बनवाना है वो पहले बुकिंग करवाया जाए, तो वो वैसा जैसा फ़ोटो देंगे वैसा पेंट करवा देते हैं। मूर्ति बनाने वाले कारीगरां ने कहा है कि पहला वो मूर्ति बनाने विच कैमिकल की वरतों करते सन, पर पिछले कुछ सालों तो उन्हों वालों जड़िया मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो कैमिकल तो बिना बनाई जा रही हैं, ताजो विसर्जन के समय जल में रहने वाले जीवों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो सके। पठानकोट तो जतिन शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब।